इस वक्त की बड़ी खबर गोहाना से। गोहाना में फूड सेफ्टी और सीएम फ्लाइंग ने मिलकर छापेमारी की है। शहर में तकरीबन 4 दुकानों पर छापेमारी की गई है, जिसके अंदर नारायण ट्रेडर्स और अन्य कई दुकानें हैं, नरेंद्रा ट्रेडर्स है, जो उन पर छापेमारी की गई है। आदर्श नगर स्थित ये दो बड़ी दुकानें हैं, जो तस्वीरें आप लाइव देख पा रहे हैं, ये नारायण ट्रेडर्स है जहां पर छापेमारी की गई है। आपको बता दें कि त्योहारी सीज़न के चलते कुट्टू काटा, जो हम नवरात्रि के समय यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वो और देसी घी को लेकर के ये बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि सैम्पलिंग इनकी ली गई है, जो घी है और कुट्टू का आटा है, इनकी सैंपलिंग ली गई है। सैंपल अगर फेल आते हैं तो कड़ी कार्रवाई जो है इन दुकानदारों के खिलाफ वो हो सकती है। आपको बता दें कि जो बड़ी दुकानें थी, जहां से जो छोटे दुकानदार हैं वो भी सामान लेके जाते थे और आगे पब्लिक डोमेन में बेचते थे, इन पर ये कार्रवाई की गई है। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, CID जो CM फ्लाइंग है, वो मिलकर के फूड सेफ्टी के अधिकारी हैं, उनके साथ मिलकर के डॉक्टर जोगेंद्र यहाँ पे मौजूद थे। तो उन्होंने बताया कि अगर क्वालिटी जो है वो सब स्टैंडर्ड मिलती है या मिलावट मिलती है या किसी प्रकार की और अन्य कोई भी चीज़ मिलती है तो इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई वो की जाएगी। त्योहारी सीज़न को देखते हुए अक्सर इस तरह की कार्रवाई की जाती है, छापेमारी की कार्रवाई की जाती है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ये गोहाना से, जहां पर छापेमारी की कार्रवाई जारी है और छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि बड़ी कार्रवाई CM फ्लाइंग और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की, क्योंकि आपको बता दें कई बार ऐसा होता है त्योहारी सीज़न के समय जो है वो कुट्टू का आटा खाने से या नकली घी खाने से फूड पॉइजनिंग का शिकार होते हैं लोग, काफ़ी बीमार हो जाते हैं, अक्सर कई बार तो मौत भी हो जाती है। तो सरकार ये ठोस कदम उठा रही है और डिपार्टमेंट भी वो कार्रवाई कर रहा है लगातार। और ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं नारायण ट्रेडर्स की, जहां पे वो कुट्टू के आटे के भी सैंपल लिए गए हैं और सैंपल लेने के बाद इन लैब में भेजा जाएगा और जहाँ पे चेक किया जाएगा कि क्या कुछ इनके अंदर मिलाया गया है और क्या कुछ क्वालिटी है। ये आपको बता दें कि फूड सेफ्टी एक रेड की है त्योहारी सीजन को देखते हुए, इसमें कुट्टू के आटे के सैंपल लिए गए हैं, साथ में एक दुकान से देसी घी का भी सैंपल लिया गया है। टोटल मिला के हमने अभी तक 3 दुकानों पर ऐड की गई है और टोटल मिला के 4 सैंपल लिए। ये दुकानें कौन सी लोकेशन है सर, बड़े दुकानें हैं या कुछ छोटे दुकानें? नहीं सर, ये बड़ी दुकानें हैं और जो कि पहले से चिन्हित की गई थी CID। तो सर अगर कोई सैंपल फेल आता है या किस तरह की कोई होती है? सर सैंपल की 3 कैटेगरी होती है फैलाने की, मिस ब्रांडेड, सब स्टैंडर्ड और अनसेफ। जहाँ मिस ब्रांडेड और सब स्टैंडर्ड आता है वहाँ पर के खाकर जुर्माना की प्रावधान है और 5,00,000 तक का, और जहाँ पर अनसेफ आता है वहाँ पर सजा के साथ साथ जुर्माने का भी प्रावधान है। अभी कितना जुर्माना किया गया है कहीं पे? सर जुर्माना पिछले 16 तारीख को भी ADC मैडम ने जो है जुर्माना किया है लोगों को। तो अभी कितने सैंपल्स कलेक्ट किए आपने और किस किस चीज़ के लिए हैं? टोटल 4 सैंपल कलेक्ट हुए हैं, जिसमें से 3 सैंपल कुट्टू के आटे के और 1 देसी घी का। सोनीपत जिले की बात करें तो अब तक कितने सैंपल? तो लगातार सोनीपत जिले में विदाउट खामी तो कोई भी सैंपल फैलाएगा नहीं। जो देसी घी की बात करें, ये देसी घी डेयरी सागर देसी घी है और ये हिसार की कोई मैन्युफैक्चरर है जिसका इन्होंने बिल टाइम मेरे सामने कोई बिल प्रस्तुत। आम पब्लिक है, कई बार ऐसा होता है कि उन्हें भी कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, वो कहाँ आप लोगों को शिकायत करें? नहीं, वो हमारे जो सोनीपत या हमारी जो आप जो ही जाएंगे नेट पे तो हमारी GMAIL ID है, वहाँ पर शिकायत कर सकते। आप बता सकते हैं GMAIL ID या कोई कॉमन ऐसा फ़ोन नंबर? जो फोस्कोस है वहाँ पर ग्रीवेंस कंप्लेंट डाल सकते हैं। फोस्कोस एक जो ऐप है गूगल से भी खुलता है, वो अपने आप में ऐप तो उस ऐप के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं। आइए, अभी छापेमारी और जारी रहेगी लगातार? हाँ, छापेमारी त्योहारों की सीजन को देखते हुए ताकि लोगों को अच्छा सामान मिल सके, इसलिए जारी रहेगी। चलिए ठीक।